अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आप लोगों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। आज मैं आपके साथ बड़ी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो हम बहुत तरीक़ों से पकौड़े बनाते हैं, आज मैं आपको बताऊँगी कि चिकन ब्रेड पकौड़े की रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। उसके लिए जो हम यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, उसमें 4 स्लाइस मैं ब्रेड के इस्तेमाल कर रही हूँ। ये फ्रेश ब्रेड है, अगर आप चाहें तो इसके किनारे उतार सकते हैं, मैं यहाँ पे इसके किनारे नहीं उतारूँगी। 1.5 कप बेसन, स्पाइसेस इसमें इस्तेमाल होंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें ऐड ना करें। 2 टेबल स्पून सोया सॉस। सब्जियाँ इसमें ऐड होंगी 4 से 5 अदद हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, आधी गाजर बारीक कट की हुई, 1 स्मॉल साइज़ की प्याज, 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर, इसका मैंने छिलका उतार लिया था और इसे बारीक बारीक कट कर लिया है, 1 अदद शिमला मिर्च, 1 प्याली चिकन। चिकन को पहले मैंने पानी में बॉईल कर लिया था नमक डाल के 1/2 टीस्पून, उसके बाद मैंने इसके रेशे अलग अलग कर लिए। उसके अलावा इसमें पानी और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होगा इसे फ्राई करने के लिए। बेसन में हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले सुरख मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसे स्पून की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी पहले। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पतला हमने इसे नहीं करना क्योंकि हमने इसके अंदर सब्जियां ऐड करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियाँ ऐड करने के बाद अगर हमें इसमें पानी कम लगा तो हम थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, गाजर। सब्जी ऐड करने के बाद पहले इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसके अंदर सोया सॉस और साथ ही चिकन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और ऐड करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। ये मिक्स हो गया हमारा अच्छे से। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और ब्रेड के पीसेज अलग अलग कर लेंगे। अगर आप पूरा ब्रेड यूज करना चाहें आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा ब्रेड का पीस होगा तो वो हमें पकड़ने में और खाने में आसानी होगी। इस तरह ये देखें इतना साइज मैंने रखा है इसका। इसी तरह मैं सारे पीस अलग कर लूँगी। नॉनस्टिक पैन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। शैलो फ्राई हमने इसे करना है, डीप फ्राई हमने इसे नहीं करना। ब्रेड के पीसेस मैंने अलग कर लिए थे, ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम टू लो ही ऑन करनी है। ब्रेड का पीस हम मिक्सचर के अंदर रखेंगे
मिक्सचर को हम अच्छी तरह इस पे लगा लेंगे दोनों साइडों पे, और फिर हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। 1 by 1 हम ऐसे ही पीस पे सारा मिक्सचर ऐड करके इसे ऑयल में ऐड करते जाएंगे। अब 2 या 3 मिनट हम देंगे इसे फ्राई होने के लिए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसकी साइड भी चेंज कर देंगे। तो 3 मिनट दिए थे हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने के लिए। अब हम इसकी साइड चेंज करके देख लेते हैं। देखिए नाइस सा कलर आ गया इसका। और इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी 2 से 3 मिनट दे देंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो जाए। साइड हमने इसकी चेंज कर दी थी, मैं दिखा देती हूँ आपको उस साइड से। ये देखें उस साइड से भी हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। थोड़ा सा ऑयल हम इसके अंदर अब और ऐड करेंगे और इसी तरह पीसेस ऐड कर देंगे। और इसी तरह बाकी पीसेस भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसी तरह पीस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। 1 मिनट इसे मैंने दे दिए हैं। अब इसकी भी हम साइड चेंज करके देख लेते हैं। ये देखें दूसरी साइड से फ्राई हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। साइड इसकी मैंने चेंज कर लिया है। अब 2 से 3 मिनट हम इसे उस साइड पे दे देंगे और फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये है हमारी मज़ेदार चिकन ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। बहुत यमी ये रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, इसे खाएं, बहुत मज़े की लगती है। गेस्ट को सर्व करने के लिए, बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत यमी ये रेसिपी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार चिकन ब्रेड पकोड़े की रेसिपी बनके तैयार है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। इसके साथ मैं यहाँ पे केचप यूज़ कर रही हूँ। आप मेयोनीज, रायता, जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अच्छे मौसम में बना सकते हैं। आजकल बारिशों का मौसम है, इस तरह की फरमाइशें बहुत ज़्यादा आती हैं। आप इसे बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दवाओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।